कल हम वहाँ कैंप में कोई बताया था हमको राशन बट रहा है, तो फिर हम आधार कार्ड लेके वहाँ बच्चों को लेके गए थे राशन लेने, राशन नहीं मिला हमको, कुछ भी नहीं मिला, ऐसे मगे दो दो केले मिले थे हमको। हमारे घर देख लो चल के एक बर्तन भी नहीं हमारे पास, ऐसे चूल्हा पूजा पड़ा है। लॉकडाउन के एक महीने से भी ज़्यादा वक्त निकल गया है। आज हम तेज़ धूप के नीचे दोपहरी में मजनू की टिल्ला दिल्ली के एक गरीब बस्ती में खड़े हैं। यहाँ पे करते सिल बट्टे का काम, रस्सी वाइपर, यहाँ पे अभी इस वक्त कुछ भी नहीं चल रहा है, जो भी चलता है सब बंद है, लॉकडाउन की वजह से सब बंद चल रहा है। यहाँ पे हमारी दुकान लगती है रोड पे ही पटली पे, अब वहाँ पे भी दुकान नहीं लगाने दे रहे हो, बताओ ये एक साल का बता रहा है खाएंगे क्या, हमारे पास तो कोई राशन भी नहीं आ रहा है, हम तो ऐसे भूखे ही मर जाएंगे। अब ये कमाई तो खाली कभी 500 का भी काम हो जाता है, कभी 700 का भी, कभी 1000 का भी हो जाता है, दिन में हो जाता है 100-200 रुपए, ज्यादा इससे ऊपर नहीं होता है। रिक्शे चलाते हैं वो जल्दी होते हैं, कबाड़ा बिनता है सर, उसका क्या कहते हैं दलिया धोते हैं ना, कब उसकी जो लेबर काम करते हैं ना। और इन कच्ची बस्तियों में जब हम सोचें कि किस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग, किस तरह की सफाई की अपेक्षा की जा सकती है, भूख की बात तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़ के अब पानी की किल्लत, प्यास इतनी ज़्यादा है। पीने का पानी यहाँ कहीं पे भी नहीं, भर के लाते हैं दूर से, यहाँ से रिक्शे लेके जाते हैं, यहाँ से भरने जाते हैं, पुलिस वाले पकड़ भी रहे हैं और दूध भी लेने आओ तब भी रख रहे हैं वो, जाते फेरी लगाने के कोई बच्चे जाते भी है तो वो पकड़ के छिल लेते, सारे पैसे छिल लेते, फोन भी छिल लेते, घर में चोरियां होती झुग्गियों में। कॉम्प्लेक्स वाली नहाने के 5 रुपए लेती है, फ्री शौचालय है, फिर भी उसमें पैसे पैसे पड़े जाते हैं उसमें। पता नहीं, सरकार बहुत सारी घोषणाएं करती हैं लेकिन उसके जो दरार हैं उसमें इस तरह के बहुत सारे गरीब, सबसे जो गरीब लोग हैं वो उस दरार के अंदर फंस जाते हैं, गिर जाते हैं। 10 दिन में 20 दिन में राशन यहाँ पे भेजा जाता है, फिर भी ज़्यादा नहीं, यहाँ पे तो 5 किलो आटा ज़्यादा करके, 5 किलो चावल, आधी किलो दाल, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं, कभी कभी आता है और नहीं आता भी नहीं। यहाँ पे बांटना है, अब हमारे 10 दिन का तलक राशन हो जाए वो तो खा लेंगे, फिर 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा, फिर इधर उधर भटकेंगे, बच्चे मांगने के लिए जाते हैं वो थोड़ा बहुत लाते वो खा लेते हैं, फिर वो खत्म हो, फिर थोड़े फिर आता बटने लिए पुलिस वाले भगा देते हैं। अगर शर्मिंदा किसी को होना चाहिए तो हमारी सरकार को होनी चाहिए कि आप लोगों को इस हालत में पहुँचा दिया है, जहाँ भूख और प्यास आपके दरवाजे में इस तरह से खटखटा रही है और आपको भागने का कोई तरीका नहीं है।